कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर हलचल के लिए आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, बगरू जी से, जो कि मुंबई के ठाणे के रहने वाले हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, बगरू जी बात कर रहे हैं? जी जी। नमस्कार सर, अंशु बोल रही हूँ ग्रीन टीवी से। Okay. सर, आपका एक सवाल आया है, बैगन में कोई प्रॉब्लम है? बैगन के पत्ते ये सिकुड़ गए हैं और पौधा भी बढ़ नहीं रहा है जी। सर, कौन सी दवाई मारे? रोगर मारा है इसको। अच्छा बकरू जी, ये कहाँ लगा हुआ है और कितने क्षेत्र में लगा हुआ है? ये एक घर का छोटा सा फार्म है, उस पर लगाया है, छोटी जगह पर है और पहाड़ी पर है। अच्छा अच्छा, पहाड़ पर लाल मिट्टी में लगा हुआ। ओहो, तो जो बुआई किया था तो कुछ देशी खाद वगैरह दिया था? क्योंकि लाल मिट्टी में पानी रुकता नहीं होगा। हाँ जी जी, लाल मिट्टी में चूंकि पानी रुकता नहीं है तो पानी की कमी से भी हो सकता है। लेकिन जो पत्ते सिकुड़ने वाली बात है, वो आप सुबह के समय देखेंगे कि छोटे छोटे पत्तों पर कीड़े होंगे जो पत्तों का रस चूसते अच्छा। हैं और वो पत्ता सिकुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वैसे तो आपने रोगर लगाया है वो ठीक ही है, समय पे अगर लगाएंगे या एक बार और छिड़काव करेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन जो ये सब्जी वाली फसलें हैं उन पे बहुत ज़्यादा जहरीला दवा ना डालें, और शुरू शुरू में ही हम अगर नीम के तेल ये 5% यानी 5 CC ले लें, 0.5%, 5 CC तेल को 1000 ml यानी 1 लीटर पानी में करें और उसका छिड़काव करें तो सुरक्षित भी रहेंगे। मेलाथियन वगैरह भी आप कर सकते हैं। जब भी आप फल तोड़ें उससे 7 दिन बाद अंतर रखें, नहीं तो वो फलों में ही जहर रह जाएगा, तो ये बात भी ध्यान में रखने की है। और अगर दवाइयों का कम उपयोग करना चाहते हैं तो आजकल पीले पत्ते भी मिलते हैं जिनपे कीड़े आके चिपक जाते हैं, पीले रंग से ये आकर्षित होते हैं कीड़े और उस पर बैठते हैं। उन पर कुछ चिपकने वाला पदार्थ लगा रहता है तो वहाँ उस पर चिपक जाते हैं, ताकि दवा छिड़कने की ज़रूरत ना हो, वो पत्तों पे ना जाए और पत्तों का रस ना चूसे। या रात को प्रकाश पाश भी लगा सकते हैं, खास करके जब दिन अस्त होता है तब, तो वहाँ भी कीड़े आएंगे, इकट्ठे होकर मर जाएंगे, तो जहर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ काम करेंगे तो आपकी फसल बच जाएगी। और चूंकि आपने ढलान पे लगाई है पहाड़ी क्षेत्र में और रेतीली वो लाल रंग की ज़मीन है, पानी की पकड़ उसमें कम है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ड्रिप उसमें कर दें तो बूंद बूंद सिंचाई जाएगी, या बार बार सिंचाई करें तो थोड़ा पानी पूरा मिलेगा और उस पौधे में पानी की कमी की वजह से सूखना या बढ़वार पूरी होना संभव हो सकेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।